नमस्ते दोस्तों, कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में मैं स्मिता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये मंच खास आपके लिए है, जहां आप अपने डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन और कृषि से संबंधित तमाम सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपना सवाल हमसे फ़ोन के ज़रिए पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, जीमेल या फेसबुक के ज़रिए भी आप अपना सवाल हम तक लिखकर भेज सकते हैं। आप अपना सवाल जब लिखकर भेजें तो उसके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। तो चलिए फोन लगाते हैं अपने पहले कॉलर को, हरिकांत पाटिल जी हैं। आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो जी, हरिकांत पाटिल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी मैम। सर, ग्रीन टीवी के पूछे अपना सवाल कार्यक्रम के लिए आपका सवाल आया था। जी मैम। जी सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप सीधे जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में। हाँ सर, हमने हमारे खेत में तरबूज की फसल लगाई है जी। जैसे कि फ्लावरिंग के समय फूल और जो फल के फल बनते समय पानी देना कब कितना देना चाहिए, मटेरियल कौन सा देना चाहिए, खाद वगैरह के बारे में जानकारी। हाँ देखिए, ऐसा है कि जो और फसलों में हम फर्टिलाइजर देते हैं जी, तो तरबूज में जो है हाँ सर थोड़ा सा अंतर है। तरबूज की खेती जब हम खेत में करते हैं हाँ सर, तो खेत की तैयारी करते समय हम 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टर गोबर की खाद या कंपोस्ट डालते हैं। उसके बाद हम उसमें भू पावर एक कंपोस्ट आती है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और जो आपने जैसे ही तरबूज लगाया है, लगाने के बाद जैसे ही वो 3 या 4 पत्ती का हो जाता है, तो देखिए दो बातें हैं। एक तो रेतीली ज़मीन में भी तरबूज होता है, बहुत अच्छा होता है, जो नदियों के किनारे होती है। और खेतों में आपका जो बलुआ दोमट और दोमट ज़मीन में भी होता है। तो जैसे हम लगाते हैं, उसके बाद रेतीली ज़मीन में जब हम लगाते हैं तो 10-12 दिन के बाद पानी की आवश्यकता होती है। और दोमट ज़मीन में जब हमारा इतना टेम्परेचर इस समय गिरा हुआ है, तो हमें 20-25 दिन के बाद पानी की आवश्यकता होती है। देखिए ऐसा है कि इस समय टेम्परेचर बहुत डाउन है। एक बार आप सिंचाई कर देने के बाद आपको कम से कम 20 दिन तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ सर। जब ब्राइट डे होने लगेंगे, सनलाइट बहुत ज्यादा होने लगेगी, तब आपको 10-15 दिन के अंतराल पर पानी देना पड़ेगा। अभी पानी 20 दिन से पहले देने से कोई फायदा नहीं है, बहुत नमी की जरूरत नहीं है। बहुत नमी होने पर फिर फंगस जो है लगना शुरू हो जाती है। हाँ। खाद हाँ देखिए, खाद का ऐसा है कि जो आपने लाइन से लाइन और पौधे से पौधा की दूरी मेंटेन करते हुए जो आपने बोया है हाँ सर, तो उसमें आप जो टॉप ड्रेसिंग एक पहले तो आपने खेत उसमें डाली दिया है। ऊपर में सर, जैसे सर जी मल्चिंग के ऊपर लगा प्लाट, तो जो ड्रिप सिस्टम है तो वाटर सोल्वर के हिसाब से जाएगा, खाद जाएगा। हाँ तो देखिए, आपने जो रिज पे लगाया है तो पानी जो आप सिंचाई देंगे वो कुओं में जाएगी। हाँ सर। तो स्वाभाविक है कि जो पानी आप दे रहे हैं तो उसकी जड़ें जो हैं वो वहीं से जो आपकी कुआ है उसके पास से जो नमी उसकी होगी उसी से वो अपना पोषक तत्व को लेंगी। तो इसीलिए आपको उसमें ट्रैप ड्रेसिंग करनी है बस। जी हरिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। तो चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, हमारे साथ सोनम है सिक्किम से। आइए जानते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी, सोनम Hello. बात कर रही हैं? हाँ जी। जी सोनम, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, पूछे अपना सवाल कार्यक्रम में आप जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली हमको जानना था कि जो मेरा फील्ड है एक्चुअली वो एक्चुअली रिवर के पास है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उसमें सैंड भी है, मतलब थोड़ा सैंड भी है, मटी पर सैंड का कंटेंट ज्यादा है जी। तो उसमें अगर हम लोग गेंदे का फूल का करे तो होगा कि नहीं होगा जी? देखिए गेंदा का फूल बिल्कुल होगा। अच्छा। और उसके लिए मैं आपको वैरायटी भी बता रहा हूँ कि कौन सी वैरायटी आपको इसमें अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है सर। हाँ देखिए, पहला है अफ्रीकी गेंदा और दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली जो पूसा इंस्टीट्यूट जो है IARI जिसको कहते हैं, उसने निकाला पूसा नारंगी गेंदा। अच्छा। हाँ ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और पूसा अर्पिता। अच्छा। ये वैरायटीज आप अपने क्षेत्र के लिए चुने। अच्छा सर,
इसका बीज जो है, इसका बीज जो है वो 600 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी पहले आपको नर्सरी डालनी पड़ेगी। हाँ जी सर। जब नर्सरी आप डालेंगी और नर्सरी डालने के बाद आपका जो पौधा है वो एक माह का हो जाता है, तो उसके बाद उसकी आपको रोपाई करेंगी। ओके। हाँ, अब चूंकि आपकी मिट्टी सैंडी है, तो सैंडी मिट्टी में थोड़ा सिंचाई का अंतराल जो है वो कम करना पड़ेगा। जैसे अगर हमारी मिट्टी अगर आपकी लोम होती है या क्ले लोम होती है तो उसमें पानी बहुत कम देना पड़ता है। ठीक है, तो सैंडी मिट्टी में भी पानी कम, पानी का मात्रा कम होना चाहिए। हाँ, सैंडी में चूंकि पानी लीच हो जाता है, जैसे ही पानी हम देते हैं वो लोअर लेयर में लीच हो जाता है। हाँ जी। और जल्दी ही जो है मॉइस्चर जो है कम हो जाता है, तो ऐसी दशा में जैसे ही आपका सनरेज बढ़ती चली जाए और टेम्परेचर हाई होता चला जाए, वैसे ही आपको इसमें सिंचाई का अंतराल कम और ज्यादा करना चाहिए। ओके सर। जी सोनम, कोई और सवाल है आपका? नो नो, थैंक यू सो मच मैडम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो लेंगे आप ही के कुछ और सवाल। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। मैम मुझे पूछना था कि मतलब कि हम जैसे जम्मू कश्मीर में रहते हैं ना हम, जी पे फल कौन कौन सा लग सकता है? जी हाँ, तो आप आम भी लगा सकते हैं, अमरूद भी लगा सकते हैं, लीची भी लगा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका पूछे अपना सवाल में, जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देते हैं विशेषज्ञों के माध्यम से। और चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को। विकास शर्मा जी हैं हमारे साथ जम्मू से, आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो जी, विकास जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। विकास जी, ग्रीन टीवी के पूछे अपना सवाल कार्यक्रम के लिए आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप कार्यक्रम में सीधे जुड़े हुए हैं। मुझे पूछना था कि मतलब कि हम जैसे जम्मू कश्मीर में रहते हैं ना हम, जी तो मैम जम्मू कश्मीर में मतलब प्लेन एरिया, तो वहाँ पे फल कौन कौन सा लग सकता है? जी देखिए, जम्मू कश्मीर में जहाँ पर आप रह रहे हैं वो तो सब प्लेन एरिया है। हाँ सर, प्लेन एरिया। हाँ, और टेम्परेचर भी हाई रहता है। तो वहाँ तो आप आम भी लगा सकते हैं, अमरूद भी लगा सकते हैं, लीची भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो सर हमारे यहाँ पे वो सकते हैं चीकू भी आपके यहाँ हो सकता है। अच्छा सर, उसमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए चीकू में? देखिए चीकू का जो है वो IRI से निकाली हुई वैरायटी जो है, पूसा इंस्टीट्यूट से निकाली हुई वैरायटीज है। हाँ जी, हाँ जी। वो उनको आप उनको इस्तेमाल करें। ये कहाँ से मिलेगी मुझे ये वैरायटी? हाँ देखिए, जम्मू में आप जो है इसको किसी भी इंस्टीट्यूट से, जो कृषि का इंस्टीट्यूट हो या कृषि विश्वविद्यालय हो, हाँ जी हाँ जी, और या फिर आप अपने जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें। हाँ जी सर, हाँ जी। जिला उद्यान अधिकारी आपको आसान पड़ेगा। हाँ जी। तो वो आपको सारी वैरायटीज जो आपके क्षेत्र की जितनी वैरायटीज हैं जो सुटेबल हैं, हाँ जी, वो आपको उपलब्ध करा देंगे। जी विकास जी, आप अपने जिला उद्यान अधिकारी से या फिर वहाँ कोई कृषि अनुसंधान केंद्र हो तो वहाँ से जानकारियाँ ले सकते हैं, आपको बीज आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ओके मैम, ओके जी। कोई और सवाल है विकास जी आपका? नो मैम, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को। संजय है छत्तीसगढ़ से, आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो जी, संजय बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं संजय। संजय ग्रीन टीवी से बोल रहे हैं, पूछे अपने सवाल कार्यक्रम के लिए आपका सवाल आया था। हाँ जी मैडम। जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप कार्यक्रम में सीधे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी हैं हमारे साथ। जी मैडम, मैं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इस तकनीक का उपयोग करके हम सब किसी भी पौधे को या गायों के लिए चारा का मतलब उगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। देखिए जो हाइड्रोपोनिक विधि है जी, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो इसमें क्राप का सिस्टम है जी, ये जली इसका बेस है, जो इसका बेस है वो वाटर है जी, और हम जो उसमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं जी, वो जैसे सॉइल में एक बार में दे देते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा करके देते रहते हैं जी। अच्छा,
अब जो चारा, जैसे कि आपका धान की फसल में, मैं आप एग्जांपल दे रहा हूँ, धान की फसल में नीर हरित शैवाल प्रयोग करते हैं जो नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको जानवरों के लिए भी खिलाने करते हैं, तो होता क्या है कि धान की खड़ी हुई फसल में पानी तो होता ही है जी हाँ, और उसमें उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, पोषक तत्व भी मिल जाते हैं जी, तो वो पानी में डेवलप हो जाता है जी। तो इस तरीके से जो पानी में डेवलप होने वाली जो हमारी क्रॉप्स हैं जी, उनको हम जो है आसानी से तैयार कर लेते हैं। लेकिन अब जैसे हमारा जो है बरसीम है, रिजका है, और ये सब जो हैं, इनको हम हाइड्रोपोनिक विधि से नहीं तैयार कर सकते। एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए सर, इस तकनीक पे अगर कोई भी किसान या कोई व्यक्ति अगर चारा उत्पादन करना चाहता है या फसल लगाना चाहता है जी, लेकिन उसको अगर इस बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से उसके सेड को तैयार करना है और कैसे हाइड्रोपोनिक तकनीक का उपयोग करना है। हाँ, देखिए आप किस क्षेत्र से बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं सर छत्तीसगढ़ स्टेट से बोल रहा हूँ, वहाँ के अंबिकापुर से है। अच्छा, तो देखिए छत्तीसगढ़ से आप बोल रहे हैं जी, रांची में आप रांची में जाएं डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के यहाँ, ये काके रोड पर जो है आपका डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का ऑफिस है जी, वहाँ आप जब जाएंगे तो आपको इसकी पूरी प्रशिक्षण भी आपको मिल जाएगा और आपको कौन कौन सी क्रॉप आप सुगमता से उगा सकते हैं पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा वहाँ। मैडम एक चीज और मैं जानना चाहूंगा बस कि अगर इस प्रोजेक्ट को हम करना चाहते हैं, इस तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं, तो लगभग इसको शुरू करने में अनुमानित लागत क्या आती है? देखिए ये तो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है और वहाँ के स्थानीय उस पर डिपेंड करता है जी, तो इसमें ये बता देना कि इसमें ये इतनी लागत आएगी, हर फसल का अपना अलग अलग है जी, तो ये इसका सबसे बढ़िया मैंने आपको बता दिया है कि जब आप वहाँ प्रशिक्षण लेने जाएंगे तो वहीं पर आपके सारी शंकाओं का समाधान वहाँ हो जाएगा जी सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। तो फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो लेंगे आप ही के कुछ और सवाल। अगर आपका भी है कोई सवाल तो लिख भेजिए हमें, साथ में अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर लिखें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जो 28 तारीख को प्रोग्राम आया थी 12 बजे जी, वो काय का फूल है जी, आप केल के बारे में जानना चाहते हैं जी जी, और इसको यूपी में कहाँ देख सकते हैं? ये जापान का पौधा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका पूछें अपना सवाल कार्यक्रम में। अगर आपका भी है कोई सवाल तो फोन करके अपना सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अपना सवाल व्हाट्सएप, मेल या फिर फेसबुक के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। एक बात जो ध्यान में रखें कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर सवाल के साथ लिखना ना भूलें। चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, राजकुमार हैं यूपी से, आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो जी, जी राजकुमार जी बात कर रहे हैं जी, जी नमस्कार जी, नमस्कार सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जी, जी पूछें अपना सवाल। जो 28 तारीख को प्रोग्राम आया थी 12 बजे जी, वो काय का फूल है जी, आप केल के बारे में जानना चाहते हैं जी जी, और इसको यूपी में कहाँ देख सकते हैं? हाँ, इसको फ्लावरिंग केल भी कहते हैं और केल फ्लावर भी कहते हैं। ये जापान का पौधा है, वहाँ पर जिस तरीके से हम बंद गोभी यहाँ खाते हैं वैसे ही उसको वहाँ खाया जाता है, क्योंकि ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसलिए हमारे यहाँ इसको खाते नहीं है बल्कि इसको जो है शादी ब्याह के और इसमें जो है फूलों के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं जी सर। इसको आप बलुआ दोमट या दोमट जमीन में बहुत अच्छी तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं जी, और जी। साल में आप 2 बार इसकी जो है खेती कर सकते हैं। ये जिस तरीके से हम बंद गोभी की खेती करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से फ्लावरिंग केल की भी खेती की जाती है जी। उसके लिए आपको करना ये है कि जिसमें आप फ्लावरिंग केल लगाएंगे खेत में उसमें 300 से 350 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद जरूर डालें जी, जी। उसके बाद 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फेट और 40 किलो पोटाश जी सर, जिसमें से आधा जो है आप नाइट्रोजन बचा के रख लेंगे, बाकी
अंतिम समय पर जब आप उसकी रोपाई करने जा रहे हैं फ्लावरिंग केल की, तब उसमें डाल देंगे खेत में जी। जो बचा हुआ आपका शेष रह गया है नाइट्रोजन, उसको आप जब पौधा 20 दिन का हो जाएगा जी, तब उसमें से बचा हुआ का आधा जो है आप उसी समय आप खरपतवारों का नियंत्रण भी करेंगे, खुरपी से निकाल देंगे, क्योंकि लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी आपने मेंटेन करके जब लगाया है तो आप उसको खुरपी से निराई गुड़ाई कर देंगे और उसी समय ट्रैप ड्रेसिंग करके हल्की सिंचाई कर देंगे। उसके बाद जब 40 दिन या 45 दिन पर जा करके जो बचा हुआ शेष है उसको आप भी ट्रैप ड्रेसिंग कर देंगे, और इस समय थोड़ी मिट्टी चढ़ाने की भी आवश्यकता है ताकि ये पौधा गिरने ना पाए जी। सर जी, कोई और सवाल है आपका? जी सर, ये कह रहे हैं इसे कहाँ या नजदीक में कोई फसल होती है ये? देखिए दिल्ली के करीब आप बुलंद शहर में इस समय हैं जी, जी, जी। आप IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जी, जो पूसा इंस्टीट्यूट है जी जी, वहां से भी आप ले सकते हैं, और दिल्ली में कई ऐसी नर्सरीज हैं जहां पर ये इसकी जो है पौध बिकती है। क्या आप इसकी फसल देखना चाहते हैं या पौध चाहते हैं या बीज, क्या आप चाहते हैं? जो यहाँ पे नजदीक में कहीं फसल हो जी सर, उसे देखना चाहते हैं। आप फसल देखना चाहते हैं? हाँ, तो देखिए ऐसा है कि आप राजधानी नर्सरी में चले जाइए जी, और वहाँ आप जाकर के देख लीजिए, वो बहुत मात्रा में जो है वो अपने बेचने के लिए वहाँ पर उगाते हैं। राजधानी नर्सरी दिल्ली? हाँ, राजधानी नर्सरी दिल्ली में जी। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, शिवराज सिंह जी हैं जयपुर राजस्थान से, आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, बोलिए जी। शिवराज जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। शिवराज जी ग्रीन टीवी से बोल रहे हैं, पूछे अपना सवाल, कार्यक्रम के लिए आपका सवाल आया था। मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि फर्टिगेशन किस तरह से, इसमें जो हाइड्रोपोनिक्स है इसमें फर्टिगेशन किस तरह से किया जाता है जी? देखिए जब हम सॉइल एप्लीकेशन करते हैं तो 50% हम सॉइल में दे देते हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ होता है वो एक या दो बार में ट्रैप ड्रेसिंग में देते हैं। लेकिन जब हाइड्रोपोनिक स्थिति में जब हम कोई फसल लेते हैं तो उसको फसल के हिसाब से 5-6 बार में जो है उसका बांट लेते हैं, और पानी के साथ उसका जो है न्यूट्रिएंट्स को हम देते रहते हैं। तो पानी के साथ में कितना न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा? देखिए ये फसल के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी फसल के लिए कितना रिकमेंडेशन है। जैसे टमाटर की फसल लेते हैं उसमें? टमाटर की फसल में देखिए सॉइल में हम देते हैं 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फेट, 40 किलो। लेकिन जब हम हाइड्रोपोनिक में देते हैं तो हमारा हो जाता है 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फेट और 25 किलो पोटास। अब इसको हम कम से कम 6 या 7 हिस्से में बांट लेते हैं, और महीने और डेढ़ महीने के हिसाब से जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है पौधे का, उसके अंतराल पर इसको देते रहते हैं। ये इसका कोई बुक्स का नाम बता सकते हैं जो फर्टिगेशन के लिए उपलब्ध है जी? देखिए फर्टिलाइजर में तो आप इसको जो है मिक्सचर जो आप आते हैं आपके 20-20-20, हाँ उसको आप दीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपको। अच्छा। और अगर आपको फास्फेट वाली क्रॉप में अगर ज्यादा फास्फेट देना है तब आप DIMO-FAS इसको दीजिए जी। कोई और सवाल आपका? धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और चलिए अपने अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, इन्होंने हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। सईद खान जी हैं मध्य प्रदेश से, इनका सवाल है कि इनके खेत में दीमक बहुत है और गोबर कोई कीड़ा है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, और इन्होंने 2 एकड़ में गन्ना लगाया हुआ है, दीमक बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कैसे इनको निजात मिले इससे? देखिए दीमक की समस्या गन्ने में बहुत ज़्यादा होती है जी, तो सबसे पहले तो बुवाई के समय ही इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था जी कि जब गन्ने की बुवाई की थी तो जब गन्ने का हम सेट डालते हैं जी, उसी समय क्लोरोपॉरीफास का सॉल्यूशन उसके ऊपर से फुब्बारा के द्वारा डाल दिया जाता है जी, तो अब दीमक नहीं लगती है जी। अब ऐसी अवस्था में कि जब फसल खड़ी हुई है जी, तो फसल खड़ी पर आपको ये करना है कि जब आप सिंचाई उसमें दें
तो सिंचाई करते समय आप जो है 4 लीटर पर हेक्टर के हिसाब से क्लोरोपारिफास आप सॉल्यूशन ले लेंगे और एक कच्चे घड़े में उसको भर करके और नीचे हल्का सा छेद कर देंगे जिसमें निरंतर बूंद बूंद पानी टपकता रहे, तो सिंचाई की नाली पर इसको हम रख देते हैं और उसमें सिंचाई की नाली में इसके जो है बूंद बूंद गिरती रहती है। तो इस तरीके से सिंचाई की नाली से पूरे खेत में जा करके क्लोरोपारिफास सिंचाई के पानी के द्वारा पहुंच जाता है और दीमक की समस्या का समाधान हो जाता है। इस दीमक की समस्या के समाधान के साथ साथ ये जो आपका गुबरैल है जो सूढ़ी होती है एक लंबी सूढ़ी होती है ये भी नष्ट हो जाएगी। जी, तो उम्मीद करते हैं सईद जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, आपने हमारे स्टूडियो में आकर दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी कृषि से संबंधित, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। जी, फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, मेल आप हमें कर सकते हैं, फेसबुक के जरिए आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि सवाल के साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपको लिखना नहीं भूलना। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए ग्रीन टीवी।